देखिए रेडी हो गई है हमारी जबरदस्त आलू गोभी काली मिर्च, कितनी लाजवाब लग रही है ना। इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट करिएगा कि आपको आलू गोभी काली मिर्च कैसी लगी। कैसे हैं आप सब? नमस्कार, मैं प्रिया, प्रिया मसाला किचन में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया बढ़िया होंगे। आज हम चलिए बनाते हैं काली मिर्च वाली गोभी। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी होती है, हो सकता हो आपने ये रेसिपी ना बनाई हो, मगर आज आप मेरी रेसिपी देखने के बाद इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। चलिए करते हैं शुरुआत। ये देखिए हमने ले रखी है एक गोभी का फूल और ये 250 ग्राम ले रखे हैं आलू। ठीक है, इनको अच्छे से मैंने धो लिया था, अब हम इनको कट कर लेंगे। ये देखिए पहले हम इनको छील रहे हैं, अच्छे से इनका छिलका उतार लीजिए। ये देखिए मैंने आलू को छील लिया है और अब हम इसके बीच में से दो टुकड़े कर ले रहे हैं और एक इधर इस तरह से हम इनके टुकड़े कर लेंगे। ठीक है, ये जो गोभी की आज हम रेसिपी आपको बताने जा रहे हैं ना, ये बहुत टेस्टी बनती है। जब आप इसे बनाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है। इसको ज़रूर बनाइएगा अगर आपने पहले ना बनाई हो। देखिए आलू हमारे कट गए हैं, अब इसको हम थोड़ा सा पानी में भिगो देंगे ना, नहीं तो आलू हमारे काले हो जाएंगे। चलिए अब हम गोभी भी काट ले रहे हैं। गोभी के फूलों को देख लीजिएगा, गोभी में कीड़े वगैरह भी होते हैं। चलिए गोभी और आलू हमारे कट हो गए हैं। गैस अब हम कर रहे हैं ऑन और हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है अपनी गोभी और आलूओं को फ्राई करने के लिए। देखिए ऑयल हमारा हो गया है गरम, अब हम गोभियाँ अपनी डाल दे रहे हैं। देखिए गैस की जो फ्लेम है वो हाई है और हम इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर रहे हैं। गोभी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसको निकाल ले रहे हैं। आलू को हमने ऑयल में डाल दिया है, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, इसको भी हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। आलू भी फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए गोल्डन ब्राउन। गैस की फ्लेम को सिम कर देते हैं और आलू निकाल ले रहे हैं। देखिए आलू भी हमारे सारे निकल गए हैं और आलू गोभी दोनों हमारे फ्राई हो गए हैं। देखिए हमने कढ़ाई से ऑयल खाली कर लिया है और 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल रखा हुआ है। कढ़ाई और ऑयल दोनों ही हमारा गर्म है, ठीक है, तो इसलिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम करिएगा। हम इसमें एक चुटकी हींग डाल रहे हैं। ये देखिए हमने 1 टीस्पून ले रखा है ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता ले रखा है, 2 बड़ी इलायची ले रखी हैं, ये हमने काली मिर्च ले रखी है, कूट दी है इस काली मिर्च को, 2 लौंग ले रखी है, दालचीनी ले रखी है और जावित्री ले रखी है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी ले रखी है और ये मैंने लाल मिर्चें काटे हैं, ये सूखे हुए लाल मिर्चें हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप हरे भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ज़ीरा डाल दे रहे हैं और ये सारा मसाला डाल देते हैं। इसको हल्का सा भुनने देते हैं, बड़ी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है खड़े मसालों की। ये जो हमने गोभी और आलू फ्राई कर लिया है ना, जो फ्राई करने में हमारा टाइम लगा है लगा है, बाकी हमारी सब्ज़ी 4 से 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। ये देखिए ये जो हमारे आलू थे वो भी हम सब्ज़ी में अपनी डाल दे रहे हैं मसाले में,
और इसको अच्छे से चला दे रहे हैं। गैस की जो फ्लेम है ना उसको आप लोग मीडियम ही रखिएगा। ये गोभी देखिए जो हमने फ्राई करके रखी थी वो भी हम इसमें डाल दे रहे हैं और इसको भी आप अच्छे से सारे अपने खड़े मसाले में मिला लीजिए। वन टीस्पून डाल रहे हैं इसमें नमक, हाफ टी स्पून इसमें हम काली मिर्च और डाल रहे हैं, ये पिसी हुई काली मिर्च है। आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, सब्जी को देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं। ज़रा सा पानी से देंगे हम छिट्टा और ये लीड से इसको दो मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखिए वन टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं सूखी कुटी हुई लाल मिर्च जिसे चिली फ्लेक्स भी हम लोग कहते हैं। ये देखिए अब हमारी आलू गोभी का कितना प्यारा कलर आया है ना, ये देखिए। और इसे आप बना के अगर एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप बार बार इसे बनाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सबसे एक अपील और हम करते हैं कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं प्लीज़ उसे देखिए, उसे वॉच करिए, है ना। आप लोग उसे देखते ही नहीं हैं, पूरा फुल वॉच ही नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हम इतनी मेहनत आप सबके लिए करते हैं, है ना, अपनी YouTube फैमिली के लिए करते हैं। और आप सबसे हम ये अपील करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप सबका मैं बहुत शुक्रिया तहे दिल से करती हूँ कि आज मैं जिस मकाम पर हूँ वो मकाम आप लोगों ने ही मुझे दिया है, मेरी YouTube फैमिली ने ही मुझे दिया है। तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वॉच करिए। एक से एक अच्छी से अच्छी रेसिपी मैं आपको सिखा रही हूँ और अच्छी से अच्छी रेसिपी मैं अभी आपको आगे भी बताऊँ। वाओ सुपर्ब, आलू गोभी का हमारा कितना प्यारा कलर आया है ना, कितनी मस्त लग रही है आलू गोभी काली मिर्च वाले। इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए गैस की फ्लेम को हम करते हैं ऑफ और करते हैं सर्व आप लोगों के लिए। ये देखिए मस्त मस्त काली मिर्च वाली आलू गोभी। अब हम इसको हरी धनिया से करते हैं इसकी गार्निशिंग। कितनी प्यारी लग रही है हमारी काली मिर्च गोभी, है ना। इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपने इसको बनाया और आपको ये कैसी लगी। रखिए अपना ध्यान, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।